मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने हमें रात भर संभाल के रखा, हर एक दुख परेशानी से दूर रखा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको जरूर मदद और सहायता करेंगे, हालेलुया। तो आइए हम पहले वचन सुनते हैं। यहाँ भजन संहिता 3 अध्याय हम पढ़ेंगे। यहाँ सहायता के लिए प्रातःकालीन की प्रार्थना है, हालेलुया। यहाँ दाऊद जब अपने पुत्र के सामने से भाग जाते हैं तब वो प्रार्थना करते हैं। वो कैसे प्रार्थना करते हैं? हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के सुने और पढ़े जाने पर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। यहाँ हम देखते हैं दाऊद बोलते हैं पहले वचन में, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। चाहे कोई भी हो आपके विरुद्ध, कितना भी बड़ा हो, राजा महाराजा कोई भी हो, मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस सुंदर सुबह में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको किसी की डरने की जरूरत नहीं। जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है आपको कोई छू भी नहीं सकता, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि आप उस गांव में एक राजा की तरह रहोगे तो रहोगे, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि यहाँ दाऊद कहता है, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला है, हालेलुया। वही है जो आपको हर एक कामों में बढ़ाने वाला है, चाहे वो वचन प्रचार हो, चाहे वो आपके काम काज हो, परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। कोई बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा दुखी हो, मेरी बेटी दुखी हो, नहीं चाहता, मेरे प्रिय भाई बहनों। बस हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे बीच में कैसे कार्य करता है। हम किसी को देखकर, मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आप को छुपाए ना, क्योंकि यदि आपने प्रभु यीशु को अपनाया है तो एक परमेश्वर यह भरोसा रखो कि परमेश्वर हमारे साथ है। यहाँ वचन कहता है मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांती बांधे खड़े हैं।
हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, परमेश्वर आपको बचाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, परमेश्वर आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास में दृढ़ रहिए, मजबूत रहिए और भरोसा रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कोई छू भी नहीं सकता। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और पांचवें वचन में लिखा, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हालेलुया, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की करुणा है जो मुझे हमेशा संभाल के रखता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें भरोसा रखना है और उसी को स्मरण करके मेरे प्रिय भाई बहनों हमें सब काम काज करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मैं तुम्हें पूँछ नहीं सिर ठहराऊँगा, तुम किसी से मांगने वाले नहीं बल्कि सबको देने वाले बनोगे यीशु के नाम से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की जय जयकार है। हालेलुया, वो अपने चुने हुओं की ज़रूरतों को पूरी करता है, वो जानता है, क्योंकि वो कहता है जब तुम संसारिक होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करिए, दृढ़ रहिए और प्रार्थना में नित्य बने रहिए। हालेलुया, प्रार्थना में अपनी निवेदन परमेश्वर के सामने बिना कुड़कुड़ाए धन्यवाद के साथ प्रस्तुत किया करो, जिससे कि परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी मदद करे। हालेलुया, हम उन इसराइलियों के समान ना कुड़कुड़ाएं जो जंगल में कुड़कुड़ाते रहे, मेरे प्रिय भाई बहनों, और कितने लोग वहां पर अपने आप को खो देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। वो कहता है जंगल में शेर तो भूखा रह सकता है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। तो परमेश्वर पर भरोसा रखिए, परमेश्वर पर विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरी करने वाला, आपके काम काजों में आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आंखें बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं। अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने करते हैं, ना किसी मनुष्य के सामने। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, जैसे आपका वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, तू हमारे संभालने वाला परमेश्वर है, हमें सृजने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, और हमें हर दिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी, बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम माना, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हरेक उन उपद्रवियों मनुष्य से प्रभु जी, हरेक उन संकट से, हरेक उन बीमारियों से प्रभु जी, आप हमारी रक्षा करोगे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके पवित्र चरणों में ले आता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी अनुग्रह करिए, दया कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। कोई शक्तिहीन है तो मेरे पिता परमेश्वर उसे सामर्थ्य से भरिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं थके हुओं को बल और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता हूँ। जैसे आपका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, मेरे पिता परमेश्वर की महिमा। प्रभु जी उन सभी
सभी भाई बहनों को आपके निकट लाता हूँ प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर, आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी उनकी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर सुबह के लिए मेरे पिता परमेश्वर हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपका वचन हर एक दिन हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद और सहायता करें। जिस नगर जिस क्षेत्र में जाएं प्रभु जी, शरीर तो उनका लेकिन प्रभु जी आत्मा बसी हुई आपकी है पिता परमेश्वर, उस नगर उस क्षेत्र में प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, मेरे बोलचाल से उठने बैठने से मेरे रहन सहन से पिता परमेश्वर किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। आप मेरी मदद और सहायता करें, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।